जब रामकृष्ण परमहंस देवी को भोग लगाया करते थे तो पहले वो खाते थे, उसके बाद देवी को भोग लगाते थे। जैसे ही मंदिर ट्रस्ट को यह बात पता चलती है तो वो कहते हैं कि रामकृष्ण जी ऐसा नहीं चलेगा। रामकृष्ण कहते हैं अगर ऐसा नहीं चलेगा तो ये पकड़ो अपनी नौकरी, मुझे नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। अब बात यह स्पष्ट थी कि जब मेरी मां मेरे लिए खाना पकाती है तो वो पहले चखती है कि खाना खाने लायक है नहीं, तब जाके वो मुझे देती है। तो यहां जब मैं खाना बना रहा हूं और मैं अपनी मां को खिला रहा हूं तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। आखिर खाना है खाने लायक या नहीं, देने लायक है या नहीं, ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा, तब तो जाके मैं खिलाऊंगा। और इस तरीके से स्पष्टीकरण देते हैं। रामकृष्ण परमहंस ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, दूसरी तक पढ़े हुए थे, लेकिन इस सदी के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी पीछे छोड़ गए अपनी सरलता से, अपने प्रेम से और अपने समर्पण से। बड़े बड़े मिस्टिक्स में जब नाम आता है तो रामकृष्ण परमहंस को इंटरनेशनली जाना जाता है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि देवी स्वयं उनके हाथों से खाया करती थी। वो इतना प्रेम रखते थे देवी से कि कभी रूठते भी थे, कभी मनाते भी थे, कभी लड़ते भी थे, कभी झगड़ते भी थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी माँ से लड़ते हैं, जैसे आप अपनी माँ से नाराज होते हैं, जैसे आप अपनी माँ को मनाते हैं या फिर आपकी माँ आपको मनाती है। उस तरीके का संबंध था उनका देवी के साथ में। और इसी कारण आपको पता है कि किस तरीके से रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के पूरे जीवन को बदल दिया, जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया जब रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में स्वामी विवेकानंद आए।